नमस्कार, मैं हूं दिलदार अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज 28 झारखंड टुडे। रविवार को दोपहर 2:30 बजे जब ट्विन टावर में धमाका हुआ तो यह उन सैकड़ों फ्लैट खरीदारों के लिए जीत की गूंज थी जिन्होंने चंदा करके 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी गगनचुंबी इमारत को जमीन पर ला दिया। ट्विन टावर को बनाने में सुपर टेक ने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 800 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद थी। सुपर टेक को सेक्टर 93A में 23 दिसंबर 2004 को एमराल्ड कोर्ट के नाम पर भूखंड आवंटित हुआ था जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ। इसके बाद योजना में 3 बार संशोधन हुआ और 2 नए टावर की मंजूरी दे दी गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा मामला? ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए थे। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ पहली बार मार्च 2010 में आवाज़ उठाई और लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। दोनों ही अदालतों से टावर को गिराने का आदेश दिया गया। सुपरटेक ने करीब 15 साल पहले एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसमें 3, 4 और 5 BHK के फ्लैट हैं। यह सोसाइटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के नज़दीक है। मौजूदा समय में एक फ्लैट की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपये तक है। कंस्ट्रक्शन में कई बार बदलाव किए गए थे। शुरुआत में बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी के सामने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक 9 मंजिला 14 टावर बनाए जाने थे। इसके बाद इसमें 3 बार संशोधन किया गया। 2012 में सुपरटेक ने 14 की जगह 15 टावर बनाने का फैसला किया और 9 से बढ़कर 14 मंजिल करने का प्लान बनाया। 40 मंजिला 2 टावर बनाने का भी प्लान बनाया गया। पहले तो ग्रीन एरिया का वादा था लेकिन इसको अनदेखा कर दिया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्डर को दोषी पाया और फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला सुना दिया। ट्विन टावर के खिलाफ में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया।